हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय व्लॉग। आज मैं आपके साथ ये सब मेरा डेली जो रूटीन है वही शेयर कर रही हूँ। तो मैं आपको आज बता देती हूँ, मुझे कमेंट आया था डार्क सर्कल्स के लिए और फेस ऑयली फेस के लिए, तो उसके लिए मैंने मेरे व्लॉग में बता दिया था आप ये प्रोडक्ट यूज़ करते हो। पर सिर्फ प्रोडक्ट यूज़ करना ही ज़रूरी नहीं है, इसके लिए है आप ज़्यादा से ज़्यादा पानी कंज्यूम करो। दिन में जितना पानी पी सकते हो उतना पियो। हो सकता है पानी कम पीते हो, इस वजह से भी आपकी स्किन ऑयली हो रही है या फिर कोई भी स्किन की प्रॉब्लम हो रही है, वो हम पानी कम पीते हैं इसी वजह से होती है। क्योंकि ये मैंने पर्सनली एक्सपीरियंस किया है, क्योंकि मैं पहले पानी बहुत कम पीती थी, मैंने देखा। तो फिर मैंने ट्राई किया कि मैं पानी पीना ज़्यादा स्टार्ट करूँ, तो जब से मैं पानी ज़्यादा पीना चालू किया है मैंने, सच में मेरी बॉडी में बहुत अच्छा चेंज आया है। फॉर स्किन में भी बहुत अच्छा चेंज है, हेल्थ में भी बहुत अच्छा चेंज है। और पानी बहुत ज़्यादा पीना चाहिए, वैसे भी बहुत अच्छा ही रहता है, फालतू फालतू की चीज़ें भी नहीं खा पाते अपन इस वजह से। तो इसलिए आप ज़्यादा से ज़्यादा पानी पीजिए, क्योंकि ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, इसलिए मैं आपको बता रही हूँ। पानी ज़्यादा पीने से कोई भी स्किन की प्रॉब्लम होती है ना, वो सॉल्व हो जाती है। और डाइट भी अच्छा लीजिए, ज़्यादा ऑयली फूड वगैरह खाओगे तो फेस पे ही दिखेगा और कहाँ जाएगा, इसलिए फेस और फैट दोनों पे ही लगेगा। इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा पानी पियो। और अभी मैं बना रही हूँ, मेरा यहाँ पर सब्जी बन रही है और चावल बन गए, आटा गूंद गया है, और अभी स्टेन क्लीन कर रही थी, तो मैंने सोचा अभी से स्टार्ट कर दूँ व्लॉग, क्योंकि आज मैं जाने वाली हूँ शूट पर भी, तो वहाँ पर भी मैं आपको बताऊँ। और हाँ, मेरी अभी लास्ट जो वीडियो आई वो आपको कैसी लगी मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताना, और वीडियो को लाइक भी करना, क्योंकि मैंने कुछ डिफरेंट टाइप का लुक क्रिएट किया है जैसा मैं पहले शादी से पहले रेडी होती थी। और अभी मैं आपके साथ ऐसा इंसिडेंट शेयर करने वाली हूँ जो मेरे लिए बहुत ज़्यादा भयानक और डरावना था। अभी कल, हाँ कल मैं रात को सो रही थी और मुझे लगा कि मेरे बालों में आके कोई मच्छर गिरा है, ऐसे ऊपर से गिरा हो ऐसा लगा, तो बाल खुले थे। तो फिर मैंने नींद में ही यानी झिटक दिया, तो वो आया मेरी ब्लैंकेट के ऊपर। तो फिर मैं थोड़ा मुझे लगा मक्खी मच्छर ऐसा ही कुछ होगा, क्योंकि मैं फ़ोन चला रही थी उस टाइम पे। तो हम रात को जब सो रहे होते हैं तो जहाँ पर लाइट होती है वहीं पर मच्छर आते हैं, ऐसा होता है। तो फिर ये हुआ, तो फिर मैं बहुत ज़्यादा डर गई। तो फिर मैंने मेरे हस्बैंड को बोला कि देखो ना, मेरे बालों से मैंने ऐसे कुछ झटका है, तो मुझे कुछ ठंडा ठंडा सा लगा था, तो तुम देखो। जैसे ही लाइट स्टार्ट की, इतनी छोटी लेजर्ड का बच्चा, चिपक लिया बच्चा, और जिससे मुझे सबसे ज़्यादा डर लगता है, मैं इतनी डर गई जिसका कोई जवाब भी नहीं है, सवाल भी नहीं है, बहुत ज़्यादा डर गई थी। फिर और जब तक वो निकाला हमने, यानी वो मेरी ब्लैंकेट के ऊपर ही था, छोटा सा बच्चा था, पर छोटा हो या बड़ा मुझे बहुत ज़्यादा डर लगता है। तो फिर मेरे हस्बैंड ने बोला कि तुम इसको यहीं पर स्टॉप करके रखो, मैं अभी आता हूँ कुछ निकालने के लिए, झाड़ू वगैरह लेके आता हूँ। वो गए, उतनी देर तक वो वहीं, मेरी सांस अटकी हुई, लिटरली मैं सांस भी नहीं ले पा रही, मुझे इतना डर लग रहा था। अब फिर जैसे उसे निकाला, अब मैं गेट खोलने गई, अब गेट के बाहर तो निकालना ही था उसको, इतना छोटा सा था। सो फिर जैसे ही गेट खोला, एक और वो भी मेरे ऊपर गिरता गिरता रह गया। तो फिर मुझे बोला कि तू एक बच्चे को पकड़ के रख, कि ये जो भी चिपकले का बच्चा है मैं दूसरे को निकालता हूँ, दोनों को रात को निकाल। उस टाइम पे रात को 12 बज रही थी, क्या डरी हूँ मैं, खतरनाक। और दो दिन से मेरे साथ ऐसा हो रहा है, मैं बार बार मेरे बाल चेक कर रही हूँ, कहीं बालों में कुछ है तो नहीं, कहीं कपड़ों पे कुछ है, इतना झिटक झिटक के कपड़े, जब देखो तब साड़ी झिटकती रहती हूँ, ब्लैंकेट भी दिन में 10 बार झिटकती रहती हूँ। क्या डर घुसा है मैं इस चिपकले के बच्चे ने मुझ पर, बहुत ज़्यादा। अगर आपको ऐसा डर लगता है तो मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना, इसलिए मुझे भी लगे मैं अकेली नहीं डरती, क्योंकि सब जने बोलते हैं बहुत ज़्यादा डरती है, सब बहुत ज़्यादा डरती है। ऐसा नहीं यार, किसी को होता है फियर, आपको होता हो तो आप भी मुझे बताओ। अभी किचन में कितनी ज़्यादा गर्मी लग रही है, आप देखो अभी तो कितना पसीना मैंने साफ कर दिया है। तो फटाफट से ये काम करते हैं और जाते हैं फिर शूट पर। खाने से पहले एक बार बर्तन तो धुल चुके हैं, और अभी मैं कपड़े भिगा के आ जाती हूँ, क्योंकि कपड़े धोने वाली बाई आ रही है, इसलिए क्योंकि हम लोग कपड़े क्या बाहर की तरफ धुलवाते हैं, तो बाहर की तरफ धुलवाते तो उसमें कोई डर नहीं रहता है, क्योंकि अभी कोविड के चक्कर में सारी काम वाली बंद कर रखी है, इसलिए चलो कपड़े भिगा के आते हैं।
अब मैं हो गई हूँ कम्प्लीटली फ्री और अभी हम जा रहे हैं शूट पे और फिर आपको शूट के बाद मिलती हूँ मैं। हम जैसे ही स्टूडियो पहुँचे हमारा कैमरा ही भूल गए, शूट करने ही आए और कैमरा भूल गए, तो अभी वो वापस कैमरा लेने गए। हमारा शूट डन हो चुका है और अभी मैं यहाँ पर मेकअप रिमूव कर रही हूँ और फिर हम चलेंगे घर। आज मैं यहाँ पर थोड़ी सी लेट हो गई हूँ, लेट क्या 6 बज गई है तो खाना बनाने का टाइम हो गया। सो हम यहाँ पर ब्रशेस को वॉश नहीं करेंगे, आज घर ले जाएंगे। घर जाके मैं आपको हो सका तो व्लॉग में दिखाऊंगी ब्रशेस को वॉश करते हुए। दीज आर सो डर्टी, बेचारों को आज नहलाना पड़ेगा घर जाके। अब घर जाके फेस वॉश वगैरह करूँगी। बिंदी तो मैं थोड़ी बड़ी साइज़ की है, वही लगा देती हूँ। यहाँ का हो गया है हमारे काम कंप्लीट और अब मैं आपको दिखाती हूँ ये सारे ब्रशेस मैंने यहाँ पर निकाल के रख दिए, थोड़े से इस पाउच के अंदर भी हैं। और ये ब्रशेस इन सबको घर ले जाके हम इनकी धुलाई करने वाले हैं। सो चलिए चलते हैं अब घर पे। अब हो चुकी हूँ मैं कंप्लीटली फ्री और अब आती है मेरे ब्रशेस की बारी, सबको वॉश करना है। सब बेचारे बोल रहे हैं मुझे वॉश करो और आज ही मुझे वॉश करने पड़ेंगे क्योंकि कल मुझे वापस से शूट करना है। सो ब्रशेस रात में सूख जाएंगे तो चलिए इनको वॉश करते हैं। मैंने बताया हुआ है मेरी एक वीडियो में मैं ब्रशेस को कैसे वॉश करती हूँ, पर वो तो मैंने प्रॉपर सेटअप लगा के वॉश किए थे कि आपको बताने के लिए कि मैं कैसे वॉश करती हूँ। अब मैं जो रेगुलर बेस में जो वॉश करती हूँ वैसे मैं आपको दिखाऊँगी। मैंने यहाँ पर बकेट में डिशवॉश बार ले लिया है और सारे ब्रशेस मैं इसके अंदर डिप कर दूंगी। फर्स्ट ये ज़्यादा गंदा नहीं, ये यहाँ पर निपेश मुझे ब्रश धोने में हेल्प कर रहे और मिट्टू राजा माथे पे आगे बैठे हैं। उड़ गया मेरे ब्रश और ब्लेंडर सारे वॉश हो चुके हैं, बहुत टाइम लग गया आज इनको वॉश करने में। और ममाअर्थ के भी प्रोडक्ट सारे आ चुके, कुछ ही टाइम में आपको वेबसाइट पे ममाअर्थ के प्रोडक्ट भी मिल जाएंगे और लगभग सभी कैटेगरी अब धीरे धीरे आ रही है। सो आप चाहो तो शॉप करो, उससे डायरेक्ट ऑर्डर कर सकते हो। मैं आपको अपडेट कर दूंगी जब भी ये वेबसाइट पर आ जाएंगे तब। अगर अभी किसी को चाहिए हो तो मैं डिस्क्रिप्शन में मोबाइल नंबर दे दूंगी, आप व्हाट्सएप पे डायरेक्ट मैसेज करके परचेज कर सकते हो आपको जो भी चाहिए। तो इसी के साथ मैं करती हूँ व्लॉग का एंड। और आज का व्लॉग कैसा लगा प्लीज़ कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना। अगर अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना, नहीं अच्छा लगा हो तो डिसलाइक कर देना। चलो मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट व्लॉग में। बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग माई व्लॉग।